छोटा है, इसलिए मुझे बड़ा बड़ा मुंह करना पड़ रहा है। और यहाँ पे भाई साहब बहुत, तब जाके वो ये काम कर रहे हैं। प्लीज आप सब गढ़वाल के भाई बहन किसी ने खोला होता ना वहाँ पे तो कितना अच्छा रहता है ना। हमने किसी को से इधर घूम घूम के और सीधा यहाँ पे जाना है। यहाँ मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं सोनी नेगी आप सभी को अपने YouTube चैनल ऑफिसर सोनी में स्वागत करती हूँ। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम शाम के करीबन 4-5 बजे। सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला, आ था संडे और घर में बहुत सारा काम हो जाता है संडे के दिन। और बड़े दिनों के बाद तो आज धूप आई थी, इस वजह से मैंने बिस्तर वगैरह सारा बाहर रख दिया धूप में सुखाने के लिए कपड़े वगैरह। तो इस वजह से अब भी मिल रहा है हमें टाइम ब्लॉग बनाने का। और अब हम जा रहे हैं, मैं मेरी लड़की जा रहे हैं घूमने के लिए, तो इस वजह से हम रास्ते पे लगे हुए हैं। और देखो पहाड़ में एकदम मस्त मस्त हवा चल रही है, इसके बालों से पता चल रहा होगा आपको काला। और हमने सोचा है क्यों ना हम थोड़ा टहलने के लिए चले जाएं। और ओ उधर जा रहे हैं हम, और मौसम ऐसे लग रहा है जैसे बारिश आने वाली होगी। और आज ही इसके लिए ये प्लाजो सिला मैंने, और आज ही भागने लग गई इसको लेके। और देखो यहाँ पे पश्चिमी नयार आती है ऊपर 43 सैंड से होते हुए, और 43 सैंड हो गया आप लोगों का, और सियोली खंड बोलते हैं ऊपर। ये बहुत सारी नदी मिलके यहाँ पे आती है। और देखो यहाँ पे देखो दो बकरी कैसे बंद रखी है, ये ज़्यादा शैतान होगी इसलिए है ना, ताकि ये कहीं ना जाए तो ये और भी नहीं जाएंगे। अरे मस्त करके खा रहे हैं। और देखो आज का मौसम कुछ ऐसे हो रखा है, आसमान में देखो कैसे बादल छाए हुए हैं। और ये है हमारा सुंदर पापा बाजार। और देखो एक वो बकरी उधर चली गई है और एक बकरी छूट गई है इनकी, और हम यहाँ से आवाज़ मार देंगे। ये देखो ये ले गए हैं वो अपनी बकरी को, ये देखो ले गए हैं वो। और ना माँ की ममता कुछ ऐसे होती है, और ये एकदम से भाग गया है देखो नीचे मम्मी के पास अपनी माँ के, वहाँ से उसकी माँ आवाज़ दे रही है। और यहाँ से ये बकरी देखो कितनी स्पीड से भाग रही है, यही तो माँ की ममता होती है। यहाँ से नदी के कारण उधर आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन वहाँ से उसकी मम्मी चिल्लाई तो उनको पता चल गया कि इसका बच्चा पीछे छूट गया है। और देखो इतनी स्पीड से गया कि वहाँ उधर पहुँच गया है। होने वाली है इसलिए लोगों की लाइट्स भी ऑन हो गई हैं देखो। और हम भी चलते हैं घर की तरफ, पहले हम उधर जा रखे थे उधर से, अब इस साइड वैसे आए हम उस साइड से, इस वाले रास्ते पे आए हम, लेकिन जाएंगे हम इस वाले रास्ते पे। आपको कैसा लगता है मेरे साथ घूमना? अच्छा अच्छा लगता है। वाह इतनी जल्दी शॉर्टकट में जवाब दे दिया। और देखो यहाँ ठीक ऊपर रह गया है डिकवाली गांव, और ये नीचे है पेट्रोल पंप नदी के इस तरफ, और इस तरफ है सिमकेत गांव, और बहुत अच्छी जगह पे बसा हुआ है। और हम इसी देखो यहाँ पे हैं अभी, हमने पेट्रोल पंप से इधर घूम घूम के और सीधा यहाँ पे जाना है। यहाँ पे है हमारा घर, और मेरी लड़की बैठ गई है रोड में,
मेरा इंतजार कर रही है। और देखो हम भी ला गए हैं जलेबी, कुछ बच्चों ने खा लिए हैं, कुछ रह रखे हैं, क्योंकि मीठा एकदम से खाया नहीं जाता ज़्यादा ना, तो इस वजह से इतनी बच गई है। और आपको बता दूं, मैंने ये गोलगप्पे वाली और उस भैया की क्लिप इसलिए डाली क्योंकि मैं ज़्यादातर पहाड़ के लोगों को यही संदेश पहुंचाना चाहती हूं कि हम कुछ इस तरीके से अपना रोज़गार कर सकते हैं। अगर उनकी जगह में कोई हमारे पहाड़ के भाई बहन रहते तो कितना अच्छा रहता है। हमारे पहाड़ का पैसा बाहर नहीं जाता, तुम्हें पता है हमारे पहाड़ का पैसा इसीलिए बाहर जाता है क्योंकि यहाँ के कोई भी पहाड़ में ही काम नहीं करना चाहते हैं। भले पहाड़ 2,000, 3,000, 4,000 की नौकरी मिल जाए उस अच्छा है, लेकिन अपने पहाड़ के ही काम को करने में उन्हें शर्म आती है। और जब से ये नीचे गोलगप्पे वाले भैया अपने ठेले लगा के बैठे हैं ना, इतनी ज़्यादा कमाई हो रही है, उनकी भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई। शाम के टाइम पर तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ लगती है वहाँ पर। तो अगर हमारे गढ़वाल के भाई बहन किसी ने खोला होता ना वहाँ पे तो कितना अच्छा रहता है ना। हमने किसी को बोला भी था तो उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आ रही है, अगर होटल वगैरह मिल जाता तो अच्छा रहता। होटल में क्या रखा है? और आपको तो पता ही है, बोलते हैं ना आजकल बड़ी दुकान और फीके पकवान, जितनी बड़ी दुकान रहेगी उतने फीके पकवान बनेंगे और जितनी छोटी रहेगी उतनी अच्छी से चलेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता रहता कि मैंने क्या करना है। बड़ी दुकान में करने वाले कुछ और रहते हैं और खिलाने वाले कुछ और रहते हैं, वो खुद ही खिलाता है, खुद ही उस काम को करता है, उसको पता है कि किस तरीके से मैंने आदमी को खिलाना है और किस तरीके से मैंने उस चीज़ को बनाना है। और बढ़िया से टेस्टी हो रही थी, कसम से भाई इतनी टेस्टी जलेबी बना रखी ना मैंने पहली बार खाई है कसम से। भले और दुकानों में भी खा रखा है मैंने, पर इसमें उन्होंने कुछ अलग ही स्वाद मिला रखा है। कौन सा स्वाद है वो? इलायची। हाँ, इलायची वगैरह मिला रखे, मस्त हो रही है कसम से, कुछ मीठी कुछ सुंदर मुँह में खुशबू आ रही है इलायची की, तो इस वजह से। और पे टीनू भी मुझसे जलेबी मांग रहा है, लेकिन मीठा कम खिलाते हैं हम इसको। और हम घूमने के लिए गए थे इस वजह से, वो देखो बोल रहा है मुझे क्यों नहीं ले गए है ना। अब बहुत रोता है, लेकिन ये बहुत परेशान करते हैं ना, इस वजह से नहीं ले जाते हम इसको, है ना टीनू। और हम सब का लाडला है टीनू, जब से आपने तो पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि कितने छोटे में लाई थी मैं इसको, इतना बड़ा हो गया हमारा टीनू। और आप साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि गांव-गांव में जो ये हमारे घर के बल्ब होते हैं उनको बेचने के लिए आ रहे हैं, और वो 10 रुपये का एक बल्ब बेच रहे हैं, साथ ही साथ उनके फिंगरप्रिंट, आधार कार्ड नंबर और पिन कार्ड नंबर वगैरह लेके जा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आजकल तो आपको पता ही है महंगाई का ज़माना है और 10 रुपये का बल्ब कहीं पर भी नहीं आएगा, जो ये 300-400 के बल्ब आते हैं। और वो पता क्या है, क्योंकि आपके आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट्स आपके बैंक से लिंक हैं, इस वजह से क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं इस काम को, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पिन कार्ड हो गया, ये सारे बैंक से जुड़े होते हैं, इस वजह से उनको इसके बारे में पता होगा, तब जाके वो ये काम कर रहे हैं। प्लीज़ आप सतर्क रहे, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सतर्क कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी कुछ नोटिफिकेशन आए उसके बारे में, इस वजह से मैं आपके वो भी शेयर करती हूँ। और यहाँ बगल में उसका पोस्टर भी देती हूँ कि क्या क्या लिखा है उसमें, आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लेना। तो तभी मैं कह रही थी हर आदमी को सतर्क होना बहुत ज़रूरी है, जो आदमी उनसे बल्ब ले रहे हैं वो उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें कि आप किस माध्यम से हमें बेच रहे हैं और ये किस लिए चाहिए। अगर आप एक व्यापारी हैं तो व्यापारी को ना हम अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, ना फिंगरप्रिंट दे सकते हैं, कोई वो जॉब या कागज़ थोड़ी है जो फार्म भरे जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को यही बात शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। होता है हमारे पहाड़ में, हमारे घर गांव में, पता क्या होता है, लोग लालच पे आ जाते हैं कि मतलब ये सस्ते में दे रहा है तो ले लेते हैं, एक हमने अंगूठा ही लगाया या फिर एक हमने आधार कार्ड नंबर ही दिया, तो इस वजह से। और यहाँ पे देखो
ये टीनू ना गुस्सा कर रहा है कि मेरे साथ खेल, नहीं खेल रही मैं तो क्या करेगा तू, नहीं खेल रही मैं, नहीं खेल रही मैं, चल मुझसे हाथ हटा, हट इसके नखरे देखो, इसके जान बुझ के मेरे पास आ रहा है, देखो टिक्की वाला मेरे साथ खेल, ये वीडियो बंद कर कह रहा है ना, और उसकी नज़र ना मेरी जलेबी पे भी है, पर मैं नहीं देने वाली इसको, मीठा नहीं खाना चाहिए। और देखो मैडम जी, और देखो मेरी लड़की ने लिया यहाँ पे टिक्की, और मैंने वहाँ पे गोलगप्पे खाए थे, इसने घर के लिए पैक कराए थे टिक्की। और देखो, और मैं अभी वीडियो के स्टार्टिंग कर रही हूँ दूसरे मॉर्निंग से, और कैसे ज़ोरदार की बारिश लग रखी है आप देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे छाता भी ओढ़ लिया है। और देखो सावन के महीने में पहाड़ों का मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है। और कल शाम को मैं बातों बातों में वीडियो की एंडिंग करना भूल गई थी, इस वजह से आप लोगों को मैं यहीं पे अपनी वीडियो की एंडिंग करवा लेती हूँ। और आप जहाँ रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सतर्क रहें। बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।